वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज मैं आज एक प्रैंक शूट करने वाली हूँ, वो भी सुजैन भाभी पर, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग कुछ व्लॉग डाल रहे ही नहीं है गाइज, कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास। डे व्लॉग्स है, डेली व्लॉग्स भी है, बट तुम बोलोगे कि व्लॉग देख के हम लोग थक गए, तो हम लोग मैं कुछ नया करते हैं, वो बाहर बैठे हैं, तो चलो जाते हैं प्रैंक करते हैं गाइज। मैं दिखाती हूँ, कैमरा सेट करते उसके बाद आप। सुजैन भाभी यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे क्या हो? अरे भाभी सी लिया। तुझे भाभी एक चीज बोलूं तुमको, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बात कर रही हूँ तुमसे। तो मैं ना फैजी को रील्स मत भेजा करो। क्यों? नहीं मुझे नहीं पसंद। क्यों रे? नहीं यार, तुम उसको रील्स भेज तो मेरे को नहीं पसंद यार। जोर जबरदस्ती तुम नहीं कर सकते ना यार भाभी। पर रील से क्या होता है? रील से कुछ होता नहीं है, बट मेरे को ऐसा है कि तुम मत भेजो उसको, क्योंकि उसके उसके उसमें अकाउंट में कोई लड़की का नहीं सिवाय तुम्हारे, तो मुझे नहीं पसंद। तो बहन बोलते हैं ना, तो बहन बोलते हैं वो, ठीक है वो, देखो हम लोग के सामने बोल रहे हैं वो बात अलग है। मैं सीरियसली बात करी, कोई तुम्हारे साथ मजाक नहीं करनी, तो तुम भी उसको रील्स वगैरह मत भेजा करो, बस मेरा एक ही बोलने का मतलब है। और तेरे पास भी आईडी, उसमें क्या हो गया? नहीं, मेरे को नहीं पसंद है ना, मैं कब से तुमको मना कर रही हूँ कि मत भेजो उसको। क्यों बोल रही है? मैं तेरी आईडी पे भेज रही हूँ, फैजी की आईडी पे भेज रही हूँ। फैजी की आईडी मेरे पास है, तकलीफ उनको प्रॉब्लम रहेगी, वो खुद बोलेंगे। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है। फैजी भाई को फोन लगाती हूँ, ठीक है? लगा के बोल दो उनको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को यहाँ पर है कि मेरे को इंस्टा भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई लड़की नहीं है बात करने के लिए, तो तुम उनको रील्स नहीं भेज सकते हो। लगा के क्या साबित कर लोगे? है तू भी आज के बाद इम्मो को रील्स वगैरह? वो इम्मो मेरा भाई है, ठीक है? क्या हो गया? फैजी भी मेरा भाई है। नहीं फैजी को तुम्हारा लगता जिगर है नहीं, जो तुम उसको रील्स भेज रहे हो, ठीक है ना? नहीं भेजने का, वो भी मेरा भाई है, तू भी मत भेजा कर इम्मो को। इम्मो मेरा भाई है, इम्मो मेरा भाई है, तो क्या हुआ? मेरा भाई है तो भी मेरा आदमी है, मत भेज। भाई तुमको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो मेरा भाई है, ठीक है? वो मेरा खून है। हाँ मत भेज तो भी। तुम कोई फैजी है, कोई तुम रिश्तेदार नहीं हो ना, तुम कुछ हो। फैजी तो मेरा भाई है, उसने नहीं है, उसने तुमको बहन बोला, वो तुमसे बात करता है, नहीं ना? हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं तुमको रील्स भेजती हूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम है तो इस ऑफिस को मेरे से झगड़ा कर दिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उनको फोन मत मत किया करो प्लीज, देखो वो काम धंधे वाले। अपना क्लियर करने के लिए फोन क्लियर करने की बात नहीं है सुजन भाभी, एक काम करो या फिर तुम मेरे से रिश्ता मत रखो, जो कि तुम उसको इतना रील्स भेज करो मेरे को नहीं पसंद। मत कर तू बात। हाँ तो मेरे को देखो, तुमसे कोई एकदम अटैचमेंट तो है नहीं, तुम एक सीधी भाभी हो मेरी, तो भी हमें मैं इतना तुमको कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे शौहर से बात करोगे, ठीक है? मेरा फोन मेरी मर्जी में किसको भी दे दूँ, इतना बड़ा मेरे को तमाशा नहीं करना है। मेरी मर्जी, ठीक है? तुम्हारी मर्जी चलाते रहो तुम, और तुम्हारी मर्जी चल जाएगी। फोन करेंगे ना उसके बाद में देखते, मैं तेरे अंत तक सुनूंगी, अगर वो बोलेंगे ना मत भेजो। अरे वो नहीं, मैं वो क्या बोलेगा? अगर वो बोलेगा तो भी मैं बोल रही हूँ कि मत भेजो तुम। अरे पर तेरी जबरदस्ती है क्या? मत भेजो ना, तुम क्यों भेज रहे हो? बट यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रही है, मेरे को नहीं पसंद, मैं ब्लॉक कर दूंगी तुमको वैसे। कर दे। हाँ तो कर।
फालतू कर रही है। फैजी भाई की आईडी है, उनका फोन है, उनकी मर्जी। नहीं पसंद मेरा फोन, मेरी मर्जी में कुछ भी भेजो। मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं पसंद, तेरे को नहीं पसंद तो मैं तेरे को नहीं भेजूंगी। बट फैजी को मैं इसकी माँ का भोला चेहरा भेजूंगी, तू कितना भी बोल। फैजी को भी नहीं, तुमको भेजना। जब मैं बोल रही ना तो बस बात खत्म हो गई। तुमको नहीं भेजना भी बोल, मैं भेजूंगी नहीं, जो समझती हो अलहमदुल्ला बहुत अच्छा ही समझती हो। ठीक है, सलाह बहुत अच्छा है तुम्हारे जैसा नहीं। ठीक है, दोबारा से फोन बंद नहीं करना प्लीज। नहीं करूंगी फोन, अपनी मर्जी नहीं चलाओ। जी मेरी मर्जी अनवर भाई, मैं जब आपको अर्जी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है, तो कितना भी बोल। तुम मुझसे बात नहीं कर सकते हो, अम्मी लोग के सामने बात करते हो, तुम फैमिली के सामने बात करते हो, वो बात तुम्हारी अलग है, वो सबके सामने करते हो। तभी मैं तुमको अकेले कौन सा बात करते हो, बट नहीं करना है तो रील्स भी नहीं भेजना है। क्यों भेज रहे हो रील्स उसको, मत भेजो। तो शक कर रही है। शक नहीं भाई, मैं कोई तुम पे शक नहीं कर रही हूँ। मैं बस तुमको ये बोल रही हूँ उसको रील्स मत भेजो। शक ही कर रही हूँ। शक क्या, तुम्हारे पे क्या ही शक करूँ। तो फिर मत बोलना भाई, मेरी मर्जी, मैं बोल रही हूँ मत भेजो तो मत भेजो ना। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। क्या ही भेजो, बस तुमको उसके अलावा आता ही क्या है। दूसरों को ताड़ो, ये करो वो करो, वो तो चलता है, दिखता है। तो इतनी सी बात को लेके बहस क्यों कर रही है लेकिन। बट मैं तुमको बस इतने अच्छे से तेरा नेट चल रहा है, नेट की बात है नहीं भाई, बट मत भेजो ना। तुम भेज रहे क्यों हो उसको, तुमको इतना रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बस बोल रही हूँ मत भेजो तो मत भेजो। मैं फैजी से बात करूंगी, उसके बाद तेरे से बात। जस्ट शट अप, तुम्हारा फैजी भाई रख के डबल करो। वो भी यही बोलेंगे, और तुम, मैं बहन बोलता हूँ उसमें क्या। तुम मेरे को वो बात से नहीं है, बट तुम रील्स मत भेजा करो उसको। पर क्यों नहीं भेजो, रीजन बता। रीजन कुछ नहीं है, बट तुम मत भेजो। मेरे को नहीं पसंद, तुम उसको रील्स भेजते हो। क्यों नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। मैं तुमको सारी कोई कान भरा है तेरे भाई, वो तुम्हारी सोच, कान भरा नहीं भरा। मैं देखो किसी से भी बात करूं, मैं किसी से भी बात करूं, कोई मेरे को बोलने वाला नहीं। जब मेरी अम्मी नहीं बोलते ना तो तुम लोग भी नहीं बोलने का। ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है, मैं सीरियस थी। अकेले बोलो तो क्या करूँ, फैमिली को लेके प्राइम। एक काम करो, इम्मा भाई को फोन करो और आप जाओ। ठीक है, इम्मा भाई को बोलो भाई नीचे लेके आए, नीचे मैं जाने के लिए खा रही। हाँ तो जाओ जाओ, मेरे को बोल के मत सुनाओ कि मैं जाने के लिए आई। तो मैं तुमको ये मैं पर्स लेके बोली कि तुम जाओ। हेलो, हाँ मैं ना जा रही हूँ घर पे। अरे ये सोफी देखो ना, झगड़ा कर रही बिना मतलब का, मालूम नहीं क्या हुआ, पूछ ले मैंने जा रही। क्यों नहीं भेजू, पर मैं तेरे आईडी पे थोड़ी भेज रही। मेरे आईडी पे भेजने की बात नहीं है सुलेखा भाई, मैं तुमको बस ये बोल रही हूँ कि उसके आईडी पे मत भेजो, मेरे को नहीं पसंद। पता नहीं आप लोग को समझती क्या है।
इतना रोना धोना कैसे आ जाता है भाई तुम लोग को? काम करो, तुमको जाना है तो तुम जाओ, यहाँ पर होना तो ना एकदम तमाशे मत लगाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतनी सी बात को इतना बड़ा रिएक्ट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लगता आदत से मजबूर आदत हो गई थी तुमको, छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा रिएक्ट करना। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला अलग ला, बेली की नागिन निकाली। सॉरी, ये प्रैंक था, ये इसने जस्ट प्रैंक डैडी। यो गाइस, प्रैंक सक्सेस। गाइस, ये बंदी मेरे को बहुत परेशान करती है। इधर कैमरा लगा, अरे देखो गाइस, फैजी भी किसी ना किसी दिन बकरा बनेगा। गाइस पहले ये बन गया, अभी मेरी सांस हो रही। ये एक बकरा हलाल हो गया, ये गाइस बेचारी रो रही थी यार। बैग इतना बड़ा पर्स लेके कहाँ जा रहे थे तुम? नवी कैसा लगा आपको? देखो तो कैसा लगा मैम आपको प्रैंक? जरा भी नहीं। भेजोगे फैजी को दोबारा रील्स? नहीं भेजना, नहीं। फाइनली प्रैंक सक्सेस हो गया। गाइस अभी दूसरा बकरा कौन रहेगा मेरे को कमेंट्स में बताना जरूर। पहला बकरा तो ये बन चुके है गाइस प्रैंक की, यो। अब दूसरा कौन है बताना जरूर, मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर, प्रैंक व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, अल्लाह हाफिज़।